बरेली पुलिस ने पूर्णापुर रोड पर अंग्रेजी शराब के सेल्समैन के साथ हुई लूट का खुलासा किया है। लूट करने वाले 6 डकैतों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हरनागल के पास 11 जुलाई की रात 11 बजे अंग्रेजी शराब की दुकान के सेल्समैन धर्मवीर पुत्र स्वर्गीय शिशुपाल और हरविंदर पुत्र सोहन लाल दुकान बंद कर रहे थे, तभी बोलेरो गाड़ी में सवार 6 बदमाश आए और दोनों सेल्समैन को मारपीट कर धमकाते हुए दुकान की बिक्री के 85,000 रुपये, सैमसंग मोबाइल और दुकान की चाबी छीन ले गए। एसपी सिटी रविंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस ने प्रभारी निरीक्षक थाना बित्री जैनपुर को निर्देशित किया कि बदमाशों की तुरंत धरपकड़ करें। पुलिस ने बालीपुर अहमदपुर को जाने वाली सड़क पर एक बोलेरो कार खड़ी देखी, उसमें 6 बदमाश बैठे हुए थे। उनकी घेराबंदी करके उनके पास से तमंचा और 61,000 रुपये बरामद किए और डकैती में प्रयोग की गई बोलेरो कार भी बरामद की। दिनांक 11/7/2022 को थाना भीतरी चैनपुर पर एक वादी के द्वारा तहरीर दिया गया। तहरीर में उनके द्वारा अपने साथ लूट की घटना का होना बताया गया। उक्त तहरीर के आधार पर थाना भीतरी चैनपुर पर 394 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। घटना अज्ञात में था, इसलिए घटना को एक चैलेंज के रूप में लेते हुए टीमें गठित की गई थी और ताकि घटना का सफल अनावरण किया जा सके। और इस टीम के द्वारा जो है अपने जो टेक्निकल चीज़ें हैं और बाकी जो लोकल मुख्य तंत्र है उसको सक्रिय करते हुए काफ़ी सराहनीय कार्य किया गया और इस घटना का सफल अनावरण कर दिया गया है। किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया था? इसमें जो व्यक्ति हैं जो इस घटना में जो एक मास्टरमाइंड है जिसका नाम रोहितास है, वो इन लोगों से जो परिचित था। ये लोग शराब की दुकान पर सेल्समैन का काम करते हैं, जिसमें एक बियर और एक अंग्रेजी शराब की दुकान है। वहाँ से अपना जो बिक्री थी उसका कलेक्शन जो लेके जा रहे थे, इसकी जानकारी जो है पूर्व से रोहितास को था। वो इसे पूरे प्रकरण से परिचित था कि ये लोग जो है पैसे लेके जाते हैं और ये लोग जो है अपनी बोलेरो गाड़ी से इसको टक्कर मारे थे। टक्कर मारने के बाद में जो है पैसे जो है इनसे ले लिए थे और पैसे लेकर जो है चले। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।